दोस्तों आज की जो वीडियो है ये हमारी डोर नॉइस के ऊपर है। अक्सर लोगों की कंप्लेन रहती है कि साहब डोर नॉइस कर रहा है, डोर दरवाजों से आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए फिर हमको जाना पड़ता है मैकेनिक के पास नंबर लगाने, फिर वो कुछ भी बताएगा आपको कि इसका ये भी ख़राब है वो भी ख़राब है, काफ़ी लंबा चौड़ा बनाता है। ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से भी आ सकती है, और कुछ छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो कि DIY हैं, जो कि हम लोग खुद से अपने हाथ से कर सकते हैं। जैसे कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम यह है कि देखिए ड्राइवर साइड का जो डोर है इससे एक रबड़ के चिट 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 की आवाज़ आती है, और वो कैसी आवाज़ आती है, ये इस बिटिंग से आवाज़ आ रही है। अब इस बिटिंग से आवाज़ आ रही है तो इस आवाज़ को एक मिनट में आपको सुनाता हूँ कि कैसी आवाज़ है। जैसे ही रफ रोड आती है, ये देखिए, ये सुन पा रहे होंगे आप लोग, ये कुछ इस तरह से आवाज़ है, और पूरी गाड़ी साइलेंट है, लेकिन ये आवाज़ की वजह से एक इरिटेशन सी होती है। तो अभी आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं कि कैसे मैं इसको रिपेयर करता हूँ, तो बने रहिए वीडियो पे, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। काफ़ी छोटी वीडियो बनाई है मैंने ये, ताकि आप लोग इरिटेट ना हो जाएं। तो चलिए इसको कर लेते हैं अभी ठीक। ये देखिए नॉइस कहाँ पे है, पहले इसको चेक करते हैं। नॉइस जो है इसके हिलने की वजह से है। ये देखिए जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आवाज़ आती है। तो अब ये हिलता क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, इसको अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या है इसके अंदर। ये देखिए ये जो यहाँ पे लॉक्स होते हैं, ये लॉक है, ये जाके लॉक इधर वाले में यहाँ लॉक होता है, और ये लॉक होते होते इसका क्या होता है, एक जगह ये कट जाता है। ये देखिए जैसा कि कटा हुआ है, ये कटने की वजह से इसमें माइनर सा डिफरेंस आता है, 0.1 mm या 2 mm तक इतना डिफरेंस होगा, लेकिन वो डिफरेंस उसके लिए काफ़ी है। तो चलिए करते हैं इसका इलाज। ये स्टार एलन है मेरे पास, स्टार एलन से पहले मैं इसको खोलता हूँ, और इसको खोलने के बाद मैं क्या करूँगा, वैसे तो नॉर्मली ये नया लगाना पड़ता है कि ये ख़राब हो गया है, तो अभी मैं इसका एक ऐसा इलाज बताने जाऊँगा कि अभी आपको नया भी नहीं लगाना पड़ेगा, इसी में काम होगा। तो इसको पहले मैं खोल लेता हूँ, हार्ड है थोड़ा सा, तो मुझे WD-40 का यूज़ करना पड़ रहा है। ये WD-40 लगाता हूँ, इससे फ्री हो जाएगा, और ये अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाय लिंक होगा, वो भी देख लीजिएगा, और इसके काम के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अभी देखिए इसको निकाल लेते हैं हम, और सिंपल है, करना क्या है कि देखिए ये इस साइड से कट गया है, लेकिन ये वाली साइड अभी इसकी बाकी है क्योंकि उधर यूज़ नहीं होता है, तो हम इसको सिंपल देंगे इसको पलट, और पलट के सिंपल यहाँ पर करेंगे इसको फिट, और फिट करने के बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग है, वो भी अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे करनी है। पहले इसको कर लेते हैं टाइट अच्छे से, एलन स्टार एलन है मेरे पास, इसी से टाइट किया है मैंने, को बढ़िया से टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद ये जो रबड़ थी क्योंकि वो कंटिन्यू घिसती रहती थी, तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर भी WD-40 का स्प्रे कर दिया। अब स्प्रे करने के बाद ये देखिए नॉइस कम हो गई है, चली गई है लगभग ऑलमोस्ट, लेकिन अभी एक काम बाकी है, वो काम क्या है कि इसका इधर वाला लॉक, चलिए वो लॉक दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि उस लॉक में भी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। तो इसको एडजस्ट करने के लिए पहले तो यहाँ पर मैं इसका WD-40 स्प्रे कर लेता हूँ ताकि लुब्रिकेंट हो जाए, और इसके बाद ये बची हुई जो रबड़ थी मैंने इसको भी लुब्रिकेंट कर दिया। अब इसको हम खोलेंगे ये वाले लॉक को, और इसके लूज़ करके बोल्ट को लूज़ करेंगे, और फिर इसके लॉक की सेटिंग करेंगे। लॉक की सेटिंग बहुत आसान है, वो अभी मैं दिखा लेता हूँ आपको। ये देखिए पहले मैं इसको लूज़ करता हूँ, और इसको लूज़ करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ सेट करूँगा, कैसे करूँगा वो भी आसान है। ये देखिए ये एलन लगाया मैंने, और इसको पीछे की तरफ हल्का सा धकेला, नहीं जाता है तो किसी भी चीज़ से इसको हम थोड़ा सा ठोक लेंगे। ये देख लीजिए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, मैंने एक लकड़ी का गुटका लिया है, इससे मैं इसको पीछे पीछे कर रहा हूँ, और पीछे करने के बाद फिर इसको टाइट करूँगा मैं, और टाइट करके अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें की नॉइस अभी रहती है या नहीं रहती है। अभी इसको मैं रोड टेस्ट भी करूँगा आपको, जैसे मैंने माइक से पहले सुनाई थी नॉइस, वैसे ही माइक से उसी रोड पर फिर दोबारा भी सुनाऊँगा, तो आप लोग खुद देखेंगे कि नॉइस में कितना फ़र्क आया है। ये देख लीजिए अभी कुछ भी नहीं है इसमें, तो रोड पे जाते हैं देखते हैं रोड पे क्या होता है। तो अभी फाइनली दोस्तों ये हो चुका है पूरा कंप्लीट, और अभी डोर में से कोई भी नॉइस नहीं आ रही है। देखिए मैंने टेस्ट ले लिया इसका, अभी मैं ड्राइव पे ही हूँ, और मैं लगातार इसको चला रहा हूँ खड्डे वाली रोड पर, जहाँ पहले मैंने टेस्ट किया था वहीं पर अभी फिर से टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखिए कोई भी नॉइस गाड़ी में नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, और अगर अभी चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ऐसी ही और भी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।